एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। चलो यार, सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। तो यार, आप लोगों ने काफ़ी काफ़ी बार डिमांड करी सेशन की कि सर एक सेशन ऐसा ले लीजिए जिसमें कि पूरा स्क्रैच से हम लोग डिस्कस कर पाए कि कैसे शुरुआत करनी चाहिए, कौन कौन से सीक्वेंसेस फॉलो होने चाहिए, रिवीजन कैसे करना चाहिए। बेसिकली जो आपके फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन हैं उनको हम इस सेशन में पूरी तरीके से कंपाइल करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से लिंक आप लोग शेयर भी कर दो ताकि बाकी लोग भी आ जाए, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन सारी इशूज को एड्रेस करते हैं। तो हाफ एन आवर का सेशन है, हाफ एन आवर का सेशन है, और मोस्टली जो भी सजेशंस इसमें दिए जाएंगे अगर आप उनको फॉलो करेंगे ना, तो यू विल बी हैविंग अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस एट द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन। ठीक है, ओके, चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखो, सबसे पहले सपोज अगर हम अपनी तैयारी स्टार्ट करने जाते हैं तो वहां से स्टार्ट करते हैं कि सपोज अभी हमारे पास टेक्निकल सब्जेक्ट की कोई नॉलेज नहीं है। एट द सेम टाइम जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हम पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इस लेवल से हम लोग अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फाइन, आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपकी तैयारी स्टार्ट करने का या प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, वो होता है कि आप सबसे पहले ये देखें कि आप रिसोर्स कितने कम से कम यूज कर पा रहे हो। ठीक है, सबसे पहली चीज होती है अपने रिसोर्सेज को लिमिट करना। ठीक, एक एक करके सीक्वेंस में मैं सारी चीजें आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी एक कोचिंग का पेड सब्सक्रिप्शन भी ले लिया, कहीं का PDGD भी ले लिया, यूट्यूब से भी पढ़ रहे हैं, PDF भी इकट्ठा कर रहे हैं और भी 10 चीजें करते जा रहे हैं। अगर आप इस कैटेगरी में हो ना, तो इस कैटेगरी सबसे पहले जल्द से जल्द बाहर आने की कोशिश करो। सबसे पहला टास्क आज के डेट में आपका क्या होना चाहिए कि आज आप बैठो और अपने लिए रिसोर्सेज को लिमिट करने की कोशिश करो। आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज आपके अराउंड हैं, उनमें से जो भी रिसोर्स आपको अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है कि अच्छा यार इस प्लेटफॉर्म पे इस टीचर से पढ़ने में मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, मुझे ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, उन टीचर को फॉलो कर लो। अगर आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे लगता है, आपको लगता है कि यार किसी सर्टेन कोर्सेज से आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, इस रिसर्च में अगर आपको एक हफ्ता भी लगता है तो एक हफ्ता इसमें दीजिए। बट अपने रिसोर्सेज को फाइनली एक सिंगल जगह पे लाके लिमिट कर लो कि यार ये रिसोर्स है, अब मैं पूरे साल सिर्फ और सिर्फ इसी रिसोर्स को फॉलो करूंगा, इसके अलावा मैं कहीं भी इधर उधर भटकूंगा नहीं। अगर आपने फाइनली डिसीजन लिया कि भाई मैं कहीं का भी किसी का भी पेड सब्सक्रिप्शन अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं YouTube से पढ़ूंगा, तो उस बात पे हमेशा कन्विक्शन रखना। फिर अपने दिमाग में ये मत आने देना कि यार इससे अच्छा तो मैं प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लेता, इससे अच्छा तो मैं XYZ कोचिंग में जाके पढ़ लेता। आप इनिशियली इस बात पर बहुत ज्यादा अपने आप को समझाओ, रिसर्च करो, अपनी सारी स्ट्रेंथ वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करते हुए कि आप एक सिंगल रिसोर्स को हमेशा फॉलो करेंगे। अगर सिंगल रिसोर्स फॉर एग्जाम्पल कुछ भी XYZ आपका सेलेक्ट हो जाता है, तो उसके साथ पूरे साल आपको ब्लाइंडली आंख बंद करके रहना है। ठीक है, आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ उसी रिसोर्स के साथ आपको चलते जाना है। सबसे पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट, तो सबसे पहली चीज होती है रिसोर्सेज को लिमिटेड करना। बहुत कम नंबर ऑफ रिसोर्सेज को फॉलो करने चाहिए और उन्हीं रिसोर्सेज के साथ पूरे साल में स्टिक करके रहना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, जब भी हम रिसोर्सेज को लिमिट कर लेते हैं उसके बाद हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, यहाँ से हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया कि रिसोर्सेज लिमिट करना इंपॉर्टेंट क्यों है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप साल के अंत में 6 महीने 8 महीने बाद आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि आपको करना क्या, पढ़ बहुत कुछ लोगे, याद आपको कुछ नहीं रहेगा। चलिए अब शुरू करते हैं सेकंड पॉइंट से कि अगर हम अपने रिसोर्सेज को लिमिट करके स्टार्ट कर चुके, फिर उसके बाद हमें हर एक सब्जेक्ट के लिए एक अच्छे टीचर को फॉलो करना होता है। अच्छा टीचर क्या होता है? अच्छा टीचर वो होता है जिसका पढ़ाए हुआ हमको समझ में आ जाए। जरूरी नहीं कि वो टीचर अगर बाकी लोगों को भी अच्छा लग रहा है तो हमें भी अच्छा लगे। बाय द वे, अगर हमें उसका समझ में नहीं आता है तो हम किसी अदर टीचर को एक्सप्लोर करेंगे। तो सेकेंड लेवल की जो रिसर्च आती है कि फाइंड टीचर्स इन योर कम्फर्ट जोन। ठीक है, तो आपको टीचर्स को, ऐसे टीचर्स को फाइंड आउट करना है जिनसे आप कम्फर्ट जोन में हो, जिनसे आप कंफर्टेबल हो, जिनका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है। ऐसे टीचर्स की आप एक लिस्ट बना लीजिए सारा का सारा, जितने भी टीचर्स आपको दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको नेटवर्क पढ़ना है, ठीक है, आपको कंट्रोल पढ़ना है, आपको कुछ और पढ़ना है, तो आप जो जो सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो ना, उन सारे के सारे टीचर्स की एक लिस्ट बनाओ। यार ये टीचर्स है ना, इनको इनको मैं फॉलो करना चाहता हूँ। इसको फिल्टर आउट करने का एक तरीका क्या हो सकता है कि आपके पास यूट्यूब पे जनरली आजकल सारे टीचर्स के लेक्चर्स पड़े रहते हैं, आप वहां से देख सकते हो। आप किसी सीनियर से रिकमेंडेशन ले सकते हो जो सेलेक्ट हुआ है ना। हमेशा सजेशन उन्हीं लोगों से लिया करो जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, जिनके ठीक ठीक रैंक थी, उन लोगों से सजेशन ले सकते हो। ऐसे करके ये दूसरी आप लिस्ट यहाँ पे बनाई। दो चीजें करने के बाद तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है कि आपकी शेड्यूलिंग कैसे होनी चाहिए। जैसे कि सपोज आपके पास टोटल 24 आवर्स हैं, तो उन 24 आवर्स की आप शेड्यूलिंग कैसे करोगे। ये दो चीजें करने के बाद, अभी तैयारी आपके स्टार्ट नहीं हुई ना, ये सारी की सारी प्रीरिक्विजिट है। पहले प्रीरिक्विजिट फिक्स करते हैं, ये फिक्स हो जाएगा तैयारी अपने आप स्मूथली चलेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको एक हैबिट अभी से कल्टीवेट करनी है अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एक रिस्पेक्टेबल रैंक लेके आना चाहते हो। तो तीसरी चीज जो आपको लिस्ट डाउन करनी है वो ये करनी है कि आपने जो 12th लेवल पे, JEE लेवल पे जो जो मिस्टेक्स करी थी, है ना,
12वीं में आप आईटी जेई में नहीं जा पाए, जबकि आप जब जाते हो तैयारी करने तो सबसे पहले सपना यही होता है ना कि 12वीं के बाद डायरेक्टली आईटी में हो जाए। ज़्यादातर लोग आईटी में इस वजह से नहीं जा पाते क्योंकि इस वजह से नहीं जा पाते कि ऐसा नहीं होता कि वो टैलेंटेड नहीं होते, इस वजह से होता है कि वो बहुत सारी मिस्टेक्स वहाँ पे करते हैं और अंडर परफॉर्म करते हैं। अगर आप अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग परफॉर्म भी करोगे ना तो भी आज की जगह से आप हमेशा बेहतर जगह पे प्रेजेंट रहोगे। तो अगर आपको सबसे बड़ा आपके पास कोई एक सैम्पल स्पेस है, सबसे बड़ा आपके पास कोई एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा आपके पास कोई रेप्लीकेशन है, तो ये वाली मिस्टेक्स है। एक कॉपी लो और इस कॉपी पे सारी मिस्टेक्स लिखो कि आप सोते रहते थे, आप क्लासेस अटेंड नहीं करते थे, रिविजन नहीं करते थे, दोस्तों के साथ घूमते थे, ये आपसे बेहतर कोई नहीं आता। तो सारी हैबिट्स को लिस्ट डाउन करो जिसकी वजह से लगता है कि आप 12वीं में आईटी जेई में नहीं जा पाए, या फिर आपने बहुत अंडर परफॉर्म किया, अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं किया, वो सारी की सारी मिस्टेक्स यहाँ पे लिस्ट डाउन होनी चाहिए। और अगले देखो, वैसे जनरली बोला जाता है कि अगर हम 21 दिन तक किसी चीज़ को रिपीट करते तो हमारी आदत बन जाती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंजीनियर्स के लिए ना ये 7 दिन ही काफ़ी होते हैं। 7 दिन तक अगर हम लोग किसी भी चीज़ को रिपीटेडली करते रहेंगे ना तो हमारी हैबिट बन जाती है। तो मैं 7 दिन का इसके लिए आपको टाइम दूंगा, 7 डेज फॉर दिस, कि 7 दिन में ये सारी के सारी मिस्टेक्स को जीरो करने की कोशिश करो। अगर ये मिस्टेक्स आपकी अभी भी वैसे ही है जैसे वहाँ पे करे थे, वहाँ भी क्लास करते थे रिवाइज नहीं करते थे घूमने चले जाते थे, यहाँ भी क्लास करोगे रिवाइज नहीं करोगे कुछ एक्स वाई जेड एक्टिविटी में लग जाओगे, तो वहाँ पे भी एक महीना बहुत जोश से पढ़े उसके बाद धीरे धीरे जोश ठंडा होता गया। यहाँ पे भी अगर सेम चीज़ करोगे, वहाँ पे भी शुरुआत में तो सारा क्वेश्चन बैंक सब कुछ लगा डाला, बाद में क्लास नोट्स भी नहीं पढ़े। तो अगर सेम पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स आप यहाँ पे रिपीट करेंगे तो रिजल्ट यहाँ पे भी वही होगा जो वहाँ पे था। इसमें कोई ख्याली पुलाव या कोई फेरी टेल वाली बात नहीं हो जाएगी कि आप गेट की तैयारी करने वाले हो और गेट ने आपकी शक्ल देख के कि भाई आप तो बड़े अच्छे लग रहे हो आपको रैंक दे देते हैं। रैंक तभी आएगी जब आप एक सर्टेन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो आप मुझे बताइए, ये पहला दूसरा तीसरा अभी तैयारी की बात स्टार्ट नहीं हुई, कितने लोगों को ये तीनों बातें समझ में आ गई? मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, जो लोग अपनी तैयारी स्टार्ट करने जा रहे हो सबसे पहला काम करो एक सिंगल रिसोर्स चूज करो। एक ही रिसोर्स को आपको अगले 7 से 8 महीने तक कंटिन्यूअसली फॉलो करना विदाउट ब्रेक। वो रिसोर्स आपको अपनी कंफर्ट लेवल के हिसाब से चूज करना है। आपको लगता है कि आप किसी कोचिंग का पेड सब्सक्रिप्शन लेके ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो पेड ले लो, आपको लगता है फ्री से पढ़ सकते हो फ्री से, बट अपने आपको पूरी तरीके से कन्विंस करना है कि मैं यही सिंगल रिसोर्स फॉलो करूंगा। सेकेंडली, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक एक अच्छे टीचर्स को फॉलो करिए। जिस भी रिसोर्स को आप चूज करो, सपोज आपने कोई एक्स वाई जेड रिसोर्स चूज किया, उस प्लेटफॉर्म पे जितने भी टीचर्स हैं उन टीचर्स को आप फॉलो करिए। सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लिए आइडेंटिफाई कर लो यार ये सब्जेक्ट इनसे पढ़ना है, उसके लिए आप उनके यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, अदरवाइज आप सीनियर से भी रिकमेंडेशन ले सकते हो कि किन की वजह से ज़्यादा उन लोगों को कम्फर्ट लेवल फील हुआ। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, उन सारी मिस्टेक्स को लिस्ट डाउन करेंगे जो आपने 12वीं लेवल पे की थी, सेम मिस्टेक्स को अपने आप से वादा करेंगे कि रिपीट नहीं करना 7-8 महीने के लिए, 10 महीने के लिए नहीं करते, 7-8 महीने के लिए लगा देते हैं जितना भी अपना एफर्ट है, पूरा एफर्ट डाल के देखते हैं कुछ ना कुछ तो आउटकम बाहर आएगा, और मैं आपको गारंटी देता हूँ बेटर ही आउटकम आपका बाहर आएगा। ठीक है, ये तीन चीज़ें करने के बाद इसमें आपको जितना टाइम इन्वेस्ट करना कर लो, 10 दिन करना है, 15 दिन करना है, 4 दिन करना है, 20 दिन करना है, जितना जल्दी आपको ये चीज़ तीनों चीज़ें सॉर्ट आउट करनी, ये तीनों चीज़ें सॉर्ट आउट करिए। जब ये तीन चीज़ें आपकी फिक्स हो जाएंगी, चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे तैयारी से पहले बताने वाला हूँ वो ये कि जब भी आप इसी दौरान क्या करना है, जब भी आप रात में सोने जाएं, प्लान योर नेक्स्ट डे। ठीक है, अगला दिन ना बहुत अच्छी तरीके से प्लान करना चाहिए। जैसे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक डायरी होती है, मैं उस डायरी में अपने अगले दिन का पूरा शेड्यूल बहुत प्रॉपरली लिखता हूँ, कितने बजे मुझे क्या करना है, कितने बजे मुझे उठना है, कितने बजे मेरी क्लासेस है, कितने बजे मेरी मीटिंग है, कितने बजे मुझे अपने इन्वेस्टमेंट्स को चेक करना है, कितने बजे मुझे और कोई एक्टिविटी करनी है, सारी चीज़ें ना मेरी पूरी की पूरी वेल प्लान होती हैं। तो ये मैं एक डायरी मेंटेन करता हूँ, और मेरे पास एक ऐप भी है, एंड्रॉयड ऐप, उसको भी मैं फॉलो करता हूँ। इसमें मैं सारा का सारा मैं लॉक कर देता हूँ रात में सोने से पहले, ये मेरा रूटीन होता है। थर्ड पॉइंट में बता देता हूँ कि मैं अगले दिन ना पूरा का पूरा मेरा इतना वेल प्लान होता है कि मुझे पूरी तरीके से पता होता है कितने बजे मुझे कौन सा काम करना है, बावजूद उसके मैं इसमें करीबन 80% एफिशिएंसी ऑब्टेन कर पाता हूँ। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने 100% प्लान किया और 100% में अचीव कर पाया। 80% एफिशिएंसी जो आप ऐसा करके करते हो, आप देखोगे जनरली आप जो 4 दिन में करते हो या 5 दिन में करते हो उतना आप सिंपली एक दिन में अचीव कर सकते हो, अगर आप रात में सोने से पहले 20 से 25 मिनट्स की एक्सरसाइज रिलीजियसली फॉलो करते हो। तो क्योंकि आप इन सब चीज़ों में, मैं मान के चलता हूँ मिनिमम 1 हफ्ता तो लगाओगे ये सारी चीज़ें करने में, तो मिनिमम 1 वीक जब आपको इन सब में लगेगा, मीनवाइल आप ये चीज़ की आदत डालना शुरू कर दो। रात में सोने से पहले जैसे मोबाइल चलाते हो 2 घंटे, मोबाइल की जगह आप वापस से क्या करो, एक डायरी ले लो, डायरी में कंफर्टेबल हो डायरी में कर लो, ऐप में कंफर्टेबल ऐप, मैं दोनों में करता हूँ क्योंकि मेरी दोनों में आदत पड़ी हुई है। उसके बाद आपको क्या करना है, रात में ही नेक्स्ट डे सपोज आप 16 आवर्स आप जगते हो, ठीक है, मान के चलने आप 16 घंटे जगते हो, तो 16 घंटे में ना हर एक आर का अलार्म लगा के रखो पूरे 365 दिन का। 1 घंटे बाद जैसे अलार्म आपका बजता है
आप इमीडिएटली रिव्यू करो कि पिछले एक घंटे में आपने कुछ ऐसा तो नहीं किया जो आपको अपने गोल की डायरेक्शन में नहीं लेके जा रहा है। तो आपने कुछ ऐसा तो नहीं करा कि आप अपने गोल से भटक रहे हो। जब आप एक एक घंटे का अलार्म लगाते हो ना, तो जनरली बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमारा पूरा दिन बर्बाद हो जाए। आपने देखा होगा कि आप सैटरडे नाइट में कई कई बार बहुत जोश के साथ सोते हो कि यार संडे उठेंगे और पूरे 12 से 14 घंटे पढ़ेंगे, बट संडे उठते हो और आलस करने के चक्कर में कि 4 बजे पढ़ेंगे, 5 बजे पढ़ेंगे, और ऐसे करते करते पूरा दिन निकल जाता है। फिर लास्ट में आप सोचते हो चलो कोई बात नहीं कल से पढ़ेंगे। तो जो ये कल से पढ़ने वाली आदत होती है ना, ये फिर कल पे ही आपके ट्रांसफर होती जाती है। जो आप एक एक घंटे का अलार्म लगा के रखते हो ना, तो जनरली बाय द वे हम कभी डिस्ट्रैक्ट हो भी गए तो अलार्म हमें वापस से रीडायरेक्ट करता है अपने गोल की तरफ। एक घंटे बाद बचेगा तो कभी भी आपका पूरा दिन बर्बाद नहीं होगा। हार्डली मान लो कुछ घंटे बर्बाद हो गए, बट धीरे धीरे जब वो अलार्म आपके ऊपर प्रेशर डालता है ना, तो आपकी एक हैबिट बन जाती है। आपको पता होता है कि यार एक घंटे बाद अलार्म बजने वाला, और मुझे फिर अपने आप से आंसर लेना पड़ेगा कि मैंने पिछले एक घंटे में क्या किया। तो ये चीज अभी से आपको मेक श्योर करनी है। फाइन, बात समझ में आ गई। और एक आखिरी चीज, फिर आते हैं अपने पढ़ाई के तरीके पे, समझ गए? तो पहले ही अपने आसपास वाला जो एक एनवायरनमेंट है ना, इसको पहले करेक्ट करना होता है, उसके बाद आपकी तैयारी स्टार्ट होती है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक और हैबिट मैं आपको बताता हूँ जो आप डालोगे तो आपकी ना फोकस होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, डी फोकस आप थोड़ा सा कम होगा। जैसे कभी भी आप अगर पढ़ने बैठते हो, ठीक है, सपोज आप पढ़ने बैठ गए, तो पढ़ने के दौरान आप क्या करो, पढ़ाई में अपने मैक्सिमम सेंसेस को इन्वॉल्व किया करो। मैक्सिमम सेंसेस को इन्वॉल्व करने का मतलब, जैसे मान लो मैं चेयर पे ऐसे बैठ गया और मैं बुक लेके ऐसे बस देख रहा हूँ। जब आप बुक लेके देखते हो या मन में कोई चीज पढ़ते हो ना, तो आपके दिमाग में पढ़ाई के अलावा भी 5,000 थॉट्स और आते रहते हैं। आप यहाँ पे कुछ पढ़ रहे हो और आपके दिमाग में कुछ और भी चलता रहेगा। उसको रिमूव करने का सिंपल सा तरीका क्या होता है कि जब भी आप पढ़ने बैठो ना, तो पढ़ने के साथ साथ आप उसको लिप सिंक भी करते रहो, और हाथ में एक पेन ले लो और उस पेन से सिंपली स्क्रॉल डाउन करते रहो, स्क्रॉल डाउन करते रहो और लिप सिंक भी करते रहो, धीरे धीरे बोलते रहो। तो आप देखोगे कि जब आप चीजों को धीरे धीरे बोलना शुरू करते हो ना, तो आपका ध्यान उसी पे रहता है, उसी पे आप पढ़ते हो। जैसे मान लो मुझे ये पढ़ना है प्लान नेक्स्ट डे, तो एक तो मैं मन में पढ़ सकता हूँ ऐसे, मगर जब मैं मन में पढ़ूंगा प्लान नेक्स्ट डे ना, तो मेरे दिमाग में 4 चीजें और भी चलती रहेंगी कि अगली क्लास कौन सी है और क्या करना है। बट जब इसी चीज को आप बोल बोल के पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे आपका माइंड इन सारे वर्ड्स पे फोकस करना शुरू करेगा। हाथ में पेन रहेगा तो आप देखोगे आपके आईज के बीच में, आपके बॉडी के बीच में और आपके माइंड के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बन जाता है, जिसकी वजह से आप जनरली बहुत कम डी फोकस होते हो। तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी चाहिए। इसके बाद एक चीज आपको और करना चाहिए, ग्रेजुअली आपको अपनी रीडिंग स्पीड आइडेंटिफाई करना चाहिए। एक घंटे बहुत फोकस से बैठो और बहुत हाईली फोकस्ड एनवायरनमेंट में, सपोज आपने पाया कि मेरी 20 पेज पर आर की स्पीड है, एक घंटे में मैं 20 पेज पढ़ पा रहा हूँ ऑन एन एवरेज, तो ये स्पीड आप कम मत होने देना, ग्रेजुअली आप इसको इंक्रीज करते जाइए, ठीक है? तो इतना सजेशन आप लोगों के लिए पहले है तैयारी स्टार्ट करने से पहले। तो जल्दी से मैं समराइज करूं, रिसोर्स हमेशा सिंगल, टीचर्स पहले से शॉर्ट लिस्टेड होने चाहिए, उसमें एक हफ्ते का टाइम लगता है, आप एक हफ्ते का टाइम इन्वेस्ट करिए, नॉट एन इशू। 12वीं लेवल पे जितनी भी आपसे मिस्टेक्स हो रखी है, उन सारे मिस्टेक्स को लिस्ट डाउन करो। अगर वो मिस्टेक्स आप रिपीट कर रहे हो तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, या आप अभी से मान के चलो ना, बाद में कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा दिसंबर नवंबर में कि कुछ जादू होगा और आप सेलेक्ट हो जाओगे। वहाँ पे नहीं सिलेक्ट हुए थे, यहाँ पे भी नहीं होंगे। तो उन मिस्टेक्स को कोशिश करो आने वाले 7 डेज में पूरी तरीके से फिनिश कर सको। अपना अगला दिन बहुत अच्छी तरीके से प्लान करके चलो। इस ऐसा करने से होगा क्या कि जो चीज़ आप 4 दिन में करने वाले वो 1 दिन में अचीव कर लोगे, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। पूरे दिन का आपके पास अलार्म होना चाहिए, एक एक घंटे की प्रॉफिट लॉस एनालिसिस करते रहो कि क्या आप अपनी गोल की डायरेक्शन में बढ़ रहे हो कि नहीं। पढ़ाई करने के दौरान अपने मैक्सिमम सेंसेस को आप इन्वॉल्व करिए ताकि आपके डी फोकस होने के चांसेस कम रहें। रीडिंग स्पीड आप लोग अपनी कैलकुलेट कर लो ताकि जब भी आप पढ़ने बैठो तो आपके पास एक टास्क हो कि एक घंटे में मुझे 20 पेज कैसे ना कैसे करके कंप्लीट करने। इतनी बातें सबको समझ में आ गई, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं, इनको आप लोग नोट डाउन कर लेना और इनको रिलीजियसली आपको फॉलो करते रहना अगले एक साल तक। आइए अब स्टार्ट करते हैं कि अब सपोज ये सारी चीजें सॉर्ट आउट करने के बाद अब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो तैयारी स्टार्ट करने के दौरान जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपकी होती है सब्जेक्ट सीक्वेंस। सब्जेक्ट का सीक्वेंस आपके लिए क्या क्या होना चाहिए, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि आप सब्जेक्ट सीक्वेंस को ना 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। मैं मान के चल रहा हूँ ज्यादातर लोग इसी इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं, तो आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। एक तो आपका नॉन कोर, एक तो आपका कोर, ठीक है? कोशिश करो कि नॉन कोर को ना आप जितनी जल्दी कंप्लीट कर सकते हो उतनी जल्दी कंप्लीट कर लो। नॉन कोर आपका होता है कंट्रोल, सिग्नल, डिजिटल और नेटवर्क, है ना? इन 4 सब्जेक्ट्स को ना मैं बोलता हूँ कि दीज सब्जेक्ट्स आर सबकॉन्शियस सब्जेक्ट। सबकॉन्शियस सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, मतलब अगर आप इन सब्जेक्ट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो, अच्छे से पढ़ने के बाद इन सब्जेक्ट्स को ना बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैं आपसे पूछूं व्हाट इज 2 इनटू 3, तो आप डायरेक्टली बोल दोगे 6, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना स्टोर हो चुका है, आपने ना तो कोई टेबल पढ़ी ना तो कुछ किया, डायरेक्ट आपने बता दिया। फाइन, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, इन सारे सब्जेक्ट्स को फर्स्ट
लॉट में कंप्लीट कर लेना, ठीक है। रिवीजन कैसे करना है उस पर आते हैं, फर्स्ट लॉट ये होना चाहिए। सेकेंड लॉट में आपके कोर सब्जेक्ट्स आ जाने चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए पावर सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एनालॉग हो गया, ठीक है। ऐसे ईसी वालों के लिए ईडीसी, ईएमएफटी, कॉम्प्लिकेशन, एनालॉग, ठीक है। ये आपके इलेक्ट्रिकल ईसी वालों के सब्जेक्ट्स हो गए। तो कोशिश करो कि इसको सेकेंड लॉट में आप पढ़ने की कोशिश करो, बिकॉज जितने भी कोर सब्जेक्ट्स होते हैं ना उनको जनरली हम अप्लाइड सब्जेक्ट्स बोलते हैं, तो उसमें ज़्यादातर में इन सारे सब्जेक्ट्स का कोई ना कोई कंसेप्ट यूज होता ही रहता है, ठीक है। तो बेटर होता है कि पहले आप कोर सब्जेक्ट्स चूज कर लें। अब कोर में और नॉन कोर में कोई भी ऑर्डर आप फॉलो कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे नॉन कोर में आपका मन करता है कि पहले मैं कंट्रोल पढ़ूँ फिर सिग्नल डिजिटल नेटवर्क, पढ़ सकते हो, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड नहीं होते, ठीक है। तो इसमें कोई मैं सीक्वेंस आपको नहीं बता रहा हूँ, मतलब इतना भी टेक्निकली करेक्ट होने की जरूरत नहीं, इसमें आप कोई भी ऑर्डर फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे कोर में भी अगर आपका नॉन कोर कंप्लीट है तो कोर में भी आप कोई भी ऑर्डर फॉलो कर लो, एज सच कोई डिफरेंस आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। बात समझ में आई, आगे बढ़े। तो चलो सब्जेक्ट सीक्वेंस मैंने आपको बताया, अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आती है कि तैयारी के दौरान हमें प्रोसेस क्या फॉलो करना चाहिए, व्हाट शुड बी द करेक्ट प्रोसेस टू प्रिपेयर अ सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने का मैं एक प्रोसेस आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा इसको। सपोज पहला सब्जेक्ट आपने उठाया एंड आई अज्यूम कि फर्स्ट सब्जेक्ट आपने नेटवर्क ले लिया, ठीक है, नेटवर्क ले लिया। नेटवर्क आपका स्टार्ट भी हो रहा है 26th of January से स्टार्ट भी हो रहा है, अंकित सर आपका स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग स्टार्ट करना चाहते हो 26 से कर सकते हो, फाइन। सपोज आपने नेटवर्क उठाया तो बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, आपको पढ़ना कैसे। 26 जनवरी से मैं मान के चलूंगा कि ये सारी हैबिट्स आप लोग अप्लाई करोगे। देखिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप ये सारी चीजें कर रहे हो, ठीक है, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। जो मैंने स्टार्टिंग के आपको 4-5 हैबिट्स बताई ना, अगर ये 4-5 हैबिट्स आप अच्छे से अपनी लाइफ में कल्टीवेट कर लेते हो, ये आपकी आदत आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाती है, तो ही आप ये प्रोसेसेस फॉलो कर पाओगे, अदरवाइज आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा ये सब करने का, ठीक है। चलो देखो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, सबसे पहला जो रिसोर्स होता है वो होता है क्लास नोट्स। क्लास नोट्स, क्लास नोट्स को कैसे पढ़ना है, सपोज आज पहला दिन है, आज पहला दिन है, पहले दिन आपने क्लास में जो पढ़ा उसका 2 बार रिवीजन होना चाहिए, एक इमीडिएट जैसे ही क्लास खत्म हुई। मान लो सुबह 8 से 10 क्लास है, 8 AM to 10 AM, 10 AM पे जैसे ही सपोज सर ने क्लास खत्म करी, आप 10:15 पे बैठ जाओ और आधे घंटे में जितना भी क्लास में डिस्कस हुआ इमीडिएटली उसको रिवाइज कर लो। सेकेंड रिविजन आपका होना चाहिए क्लास में आने से पहले, फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूँ, जब आप सेकेंड क्लास में जाओगे, सेकेंड क्लास में आने से पहले, सेकेंड क्लास के लिए तो ये दोनों चीजें रहेंगी रहेंगी एज इट इज, क्लास के इमीडिएटली बाद रिविजन, क्लास का रिवीजन, और साथ के साथ फर्स्ट चैप्टर जो आपने कल पढ़ा था ना उसका रिवीजन। थर्ड क्लास में जाओ, थर्ड क्लास का एक इमीडिएट रिवीजन आप 10 से 15 मिनट में भी कर सकते हो, क्विक रिवीजन होना चाहिए। फिर सेकंड, कल की क्लास में आने से पहले और उसके बाद आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दोनों का रिवीजन होना चाहिए। तीसरे दिन आप देखोगे ना कि फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज करने में हार्डली आपको 5 मिनट लग रहे हैं, क्योंकि एक दिन में एक टीचर ऑन एन एवरेज बेसिस 10 से 11 पेज ही पढ़ा पाता है। ऐसे ही जब आप 50वीं क्लास में जाओगे, बाय द वे 50th क्लास में, तो 50th क्लास में एक तो 50th क्लास का इमीडिएट रिवीजन, 51वीं क्लास में आने से पहले एक बार इसका प्रॉपर रिवीजन, और साथ के साथ 49 लेक्चर्स का रिवीजन। तो आप बोलोगे सर 49 लेक्चर्स का रिवीजन कैसे पॉसिबल हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। अगर आप ये सीक्वेंस फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि पुराना 49 लेक्चर हार्डली आप ना 30-40 मिनट्स में पूरा का पूरा रिवाइज कर पा रहे हो, जस्ट आपको पेजेस पलटने, इंपॉर्टेंट चीजें अपने आप आपके दिमाग में बैठती जाएंगी। तो जैसे जैसे नेटवर्क सब्जेक्ट खत्म होता जा रहा है, आप देख रहे हो बाय द वे 50 लेक्चर के एंड में आपने पूरा का पूरा सब्जेक्ट कितनी बार रिवाइज कर डाला, 49 टाइम्स आपने रिवाइज कर लिया, करेक्ट। ये तो बात हो गई कि सब्जेक्ट को पढ़ा कैसे जाता है। जब आप ऐसा पढ़ते हो ना तो आप 50th लेक्चर के एंड में देखोगे नेटवर्क आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली पूरी तरीके से फीड हो चुका है। आपसे कोई ट्रांजिएंट का क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई टू पोर्ट का क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई थ्योरम का क्वेश्चन पूछ रहा है, आप नोट्स नहीं पलट रहे हो, आप खुद ही आंसर्स बता पा रहे हो, क्योंकि आपने उन चीज़ों को इतनी बार देख लिया, इतनी बार उस प्रोसेस को फॉलो कर लिया कि सबकॉन्शियसली वो चीज़ स्टोर हो चुकी है। तो क्लास नोट्स को कैसे फॉलो करने, आई होप सभी को ये बात समझ में आए। अब आप पूछोगे ऐसा कर पाना पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है अगर आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करोगे। अगर उसी में आपने ट्विटर पे जाके अपने ओपिनियन रखने की भी जिम्मेदारी ले रखी है, इंस्टाग्राम पे भी जाके आप 1 से 2 घंटे टाइम बिता रहे हो कि भाई वो भी तो हमारा एक बेसिक धर्म है, आप साथ के साथ और भी दुनिया भर के 50 काम कर रहे हो, तो ये चीज़ आप नहीं कर पाओगे ना, तो आपके पास टाइम कम बचेगा। बट जो लोग टाइम को अच्छे से प्लान करते हैं वो ऐसा बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले बोला आपको कि 8 से 10 महीने का आपका पूरा का पूरा कंटिन्यूस एफर्ट हमको चाहिए होगा, तभी हम फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छी रैंक लेके आ सकते हैं, क्योंकि हमारा कॉम्पिटिशन ना सिर्फ हमारे साथ के लोगों से है बल्कि उनसे भी है जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, करेक्ट। समझ आ गई बात, तो क्लास नोट्स का प्रोसेस सबको समझ में है। चलो अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, क्वेश्चंस कहाँ से लगाने हैं।
मतलब रिवीजन में करना क्या चाहिए, तो इसको भी ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको क्या करना है कि जैसे मान लो ये क्लास नोट्स आप पढ़ते जा रहे हो, तो फर्स्ट रिवीजन में सिर्फ थ्योरी का रिवीजन कर लेना, क्लास जैसे ही खत्म होती है पेजेस पलट के थ्योरी का रिवीजन कर लेना। जो सेकेंड रिवीजन होता है ना, उसमें आप प्रॉपर रिवीजन करना विद क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का जो पहला फॉर्मेट होता है वो होना चाहिए जो क्लास में DPPs मिलते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से मन लगा के प्रैक्टिस करो, ठीक है। एक कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, जैसे मान लो थ्योरम्स आपकी कंप्लीट हो गए, नेटवर्क थ्योरम्स कंप्लीट हो गए, तो नेटवर्क थ्योरम्स के आप कनॉडिया के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, या टीचर से पूछ लो कि सर इस चैप्टर के और क्वेश्चंस में कहाँ से ट्राई करूँ। कनॉडिया के क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करिए एक चैप्टर खत्म होने के बाद, साथ के साथ नहीं करना। ये दोनों चीज़ें जब कंप्लीट हो जाए फिर आप अगले सब्जेक्ट पर जा सकते हो, ठीक है। ऐसे करते करते एक दिन नेटवर्क खत्म हो जाएगा, ठीक है, एक दिन नेटवर्क खत्म हो जाएगा। अब देखो दो तरीके के अप्रोच आप फॉलो कर सकते हो, या तो आप चैप्टर बाय चैप्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाते जाओ, ना सिर्फ अपनी ब्रांच के बल्कि जितने भी ब्रांचेस में नेटवर्क होता है, इलेक्ट्रिकल, ईसी, इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर आप जब पूरा का पूरा नेटवर्क सब्जेक्ट खत्म हो जाए तब उसके बाद आप सारे के सारे PYQs आराम से बैठ के लगा सकते हो। अब ये टोटली आपकी कॉल है कि आप कैसा करते हो। मेरे हिसाब से एक एक चैप्टर जब खत्म होता जाता है तो हम PYQs लगाते जाए वो हमारे लिए बेहतर ऑप्शन होते हैं। अब क्वेश्चन कैसे लगाने उस पर भी हम लोग आते हैं, बट क्लास के साथ साथ क्वेश्चंस के रिसोर्सेज भी आपको उसी दौरान लिमिट कर लेने। जैसे नेटवर्क का मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि DPPs कनॉडिया लगा लोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लोगे सो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। अब आते हैं क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। देखो जब भी आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपके पास कोई भी रिसोर्स क्यों ना हो, सपोज आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सपोज आपके पास कनॉडिया, उनके जो सॉल्यूशंस के पेजेस हैं ना वो आप सॉल्यूशंस के पेजेस को कट करके स्टेपल करके कहीं अलग से रख दो। अपने दिमाग को अभी से ट्रेन करना स्टार्ट करो कि जब भी आप कोई क्वेश्चन देखते हो तो उसका सॉल्यूशन आपके पास नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? आपको जैसे ही कोई क्वेश्चन दिखे आपका ब्रेन आपको सबसे पहला सिग्नल देना चाहिए कि भाई इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, अब बताओ क्या किया जा सकता है। अपने ब्रेन को इस चीज़ के लिए तैयार करो। जो आपका ब्रेन पहला सिग्नल आपको देगा कि इसका सॉल्यूशन तो है ही नहीं, आप क्या कर सकते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, आप जाइए उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, ऑनेस्ट अटेम्प्ट दो। आप देखो कि क्लास में ईमानदारी से पढ़ाए, DPPs लगाएं तो 10 में से 6 क्वेश्चंस आपसे लग जाएंगे, 4 नहीं लगेंगे। उन 4 क्वेश्चंस के साथ आपको 48 आवर्स का टाइम इन्वेस्ट करना है। 48 आवर्स आप उसके बारे में सोचते रहो, क्लास में आके देखो, क्लास के नोट्स को देखो, सॉल्यूशन नहीं देखना है, ठीक है। आप टीचर से उनको डिस्कस कर सकते हो, अपने दोस्तों से डिस्कस कर सकते हो, कोई फोरम है फोरम पे डाल सकते हो, यूट्यूब पे कुछ देख सकते हो उसके बारे में। अपने आपको ये समझाना कि 4 क्वेश्चन में लगा के रहूंगा चाहे जैसे, तब भी आप देखोगे ना इतनी मेहनत करने के बाद भी 2 क्वेश्चन आपसे तब भी क्रैक हो जाएंगे, 2 तब भी नहीं होंगे, फिर इन 2 क्वेश्चंस का आप सॉल्यूशन देख सकते हो और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को सीख सकते हो। जब आप ऐसा करोगे तो आप ग्रेजुअली देखोगे कि पहली चीज़ तो आपने ये कंफर्ट लेवल अपने पास से हटा दी कि क्वेश्चन देखते ही सॉल्यूशन रिव्यू कर लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा डेडली होता है। सेकेंडली, ये जो 6 क्वेश्चन आपसे लग गया ना ये किसी काम के नहीं, ये जो 4 क्वेश्चन है ना यही आपको एग्जाम में जाकर सिलेक्शन दिलवाएंगे। तो अपने आप को जब आप इन 4 क्वेश्चन के साथ बार 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 रिपीट करोगे, बार बार इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे अगले चैप्टर के, नेक्स्ट चैप्टर के, अगले सब्जेक्ट के, नेक्स्ट सब्जेक्ट के, तो धीरे धीरे ना आपके दिमाग में क्वेश्चंस को देख के जुगाड़ बनाने की कैपेबिलिटी आ जाएगी। आप जब भी नया क्वेश्चन देखोगे ना आपका माइंड अपने आप उस क्वेश्चन का एक लेआउट आपको बना के दे देगा कि यार ये क्वेश्चन है इसमें ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए। और आप देखोगे ना कि आप लिखोगे बहुत कम, क्वेश्चन का जो लेआउट है ना वो आप दिमाग में ही सोच लोगे, उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करोगे कि अच्छा ऐसे ऐसे करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर आप क्वेश्चन देखते ही इमीडिएटली पीछे पलट के सॉल्यूशन देखने वालों में से हैं तो आप 6 महीने तैयारी कर लो, आप 10 महीने तैयारी कर लो, आप 10 साल तैयारी कर लो, एग्जाम में सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। जब तक आप क्वेश्चंस को खुद से नहीं सोच रहे, दिमाग आपका नहीं चल रहा है, आपका दिमाग पहला सिग्नल आपको ये नहीं दे रहा है कि भाई इसका सॉल्यूशन तो अवेलेबल ही नहीं, अब करा क्या जाए, जब तक ये पहला सिग्नल आएगा नहीं तब तक आप वो एंजाइटी कभी फील ही नहीं कर पाओगे जो एक्चुअल एग्जाम में करने वाले हो। वो एंजाइटी घर पे फील करना जरूरी है, और घर पे फील करने के साथ साथ आप देखोगे within 3 months, within 90 days आप नए क्वेश्चंस को देख के अप्रोच कर पा रहे होगे, आपका दिमाग चलने लगेगा, ना सिर्फ इस सब्जेक्ट में बल्कि जो 3 महीने बाद भी आप सब्जेक्ट पढ़ोगे ना वहाँ पे भी आपका दिमाग बहुत क्विकली काम करेगा, क्योंकि दिमाग को आपने उसी तरीके से ट्रेन कर दिया कि सॉल्यूशन है नहीं अब सोचो। जब वो सोचने वाली हैबिट आपकी आएगी इनिशियली आपको ट्रबल करेगी, बट धीरे 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 दिमाग उस चीज़ में ट्रेन हो जाता है। सबको ये पॉइंट समझ में आया? ये सारी चीज़ों के साथ करना है, DPP के क्वेश्चन के साथ, कनॉडिया के साथ, PYQs के साथ, करेक्ट। जब आप ये करते करते सब्जेक्ट को फिनिश कर लें तो आपके पास हो सकता है 50 क्वेश्चंस का ना एक सेट आ जाए जिसने आपको बहुत तंग करके रखा। इन 50 क्वेश्चंस की एक कॉपी बना लेना और उस कॉपी में इन 50 क्वेश्चंस को डाल देना, ठीक है। 50 क्वेश्चंस, इनके सॉल्यूशंस, आपने क्या सोचा, आपके हिसाब से क्वेश्चन गलत क्यों हुआ था, टीचर ने ऐसा क्या बता दिया जो आप सोच नहीं पाए, पूरा अच्छी तरीके से यहाँ पे लिख देना। जब ये कंप्लीट हो जाए तो एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आप नेटवर्क करने के अपनी नॉलेज टेस्ट कर लेना। आप देखोगे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में आप एक्सीलेंटली परफॉर्म करोगे, ठीक
ठीक है, क्या सर इतनी सारी चीजें कर पाना पॉसिबल है? फिर से वही चीज, अगर करोगे तो पॉसिबल है, नहीं करोगे तो कुछ पॉसिबल नहीं। ऐसा करने में आपको प्लानिंग ज्यादा अच्छी तरीके से चाहिए रादर देन आपकी मेहनत बहुत है। क्योंकि क्लास के बाद रिवीजन में मैं मान के चलता हूँ 2 घंटे की आपने क्लास करी, ठीक है, 2 घंटे की क्लास को मैं चलो मैं मान लेता हूँ 2 घंटे आप रिवीजन में लगा दोगे, 4 घंटे हो गए, और 1 घंटे की आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, तो 5 घंटे में आप ये पूरी सारी चीजें अरेंज कर सकते हो एक सिंगल डे में। ठीक है, 5 घंटे में मैं ज्यादा बता रहा हूँ, अगर 2 घंटे कॉन्सेंट्रेशन से क्लास में बैठोगे, हार्डली 10 से 11 पेज एक दिन में पढ़ाए जाते हैं, आप उसको 1 घंटे में रिवाइज कर सकते हो और 1 सवा घंटे में DPPs प्रैक्टिस करके ये अपनी सारी की सारी स्किल्स डेवलप कर सकते हो। तो 5 में तब भी थोड़ा कंजर्वेटिव फिगर लेके चल रहा हूँ कि 5 घंटे अगर आप इन्वेस्ट करते हो, ये सारी चीजें डेली बेसिस पे आपके कंपाइल होती जाएंगी इन अ सिंगल सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो अगला सब्जेक्ट जो आप स्टार्ट करोगे, सपोज आपका नेटवर्क कंप्लीट हो गया, नेटवर्क को आपने पूरी अच्छी तरीके से डन एंड डस्टेड कर लिया, नेटवर्क्स में क्लास नोट्स पे अच्छी कमांड हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके अच्छे से डेवलप हो गई, सेकेंडली आप लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के साथ साथ सॉल्यूशन ना देखने वाली एक हैबिट भी डेवलप कर ली। अब आते हैं कंट्रोल के ऊपर, अब आज से आपका कंट्रोल स्टार्ट हुआ। जब भी कंट्रोल स्टार्ट हो जाए है ना, आपको अपने डेली शेड्यूल में 30 मिनट्स या से लेके 1 घंटे तक नेटवर्क के रिविजन के लिए टाइम निकालना है, नो मैटर वॉट, चाहे जैसे निकालो ये आपको निकालना है। अगर आपने नेटवर्क को रिवाइज करने के लिए टाइम नहीं निकाला और 2 महीने नेटवर्क आपका टेबल पे रह गया, तो आप नेटवर्क के क्लास नोट्स भी उठाने में डरोगे कि यार अब वापस से कैसे पूरा का पूरा देखा जाए। तो जो 1 महीने, सवा महीने, 1.5 महीने आप मेहनत कर चुके हो ना, उस मेहनत को खराब मत होने देना। उसके लिए जस्ट आपको डेली बेसिस पे क्या चाहिए, 30 to 60 मिनट्स आपको नेटवर्क का रिविजन करते रहना। आपकी मर्जी, आप ऐसा बना सकते हो ऑल्टरनेट की एक दिन थ्योरी पढ़ लूंगा, एक दिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लूंगा, क्योंकि कंट्रोल भी आपका 1-1.5 महीने तो चलेगा ही चलेगा, बाकी कंट्रोल में ये वाला जो रेगुलर प्रैक्टिस थी वो चलती रहेगी। तो आप देखोगे कंट्रोल में भी आपको सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे इन्वेस्ट करने हैं प्लस 1 घंटा इसका, तो दोनों सब्जेक्ट्स आपके पैरेलल ही चलते रहेंगे। बाकी कंट्रोल पढ़ने का तरीका भी, क्लास में गए एक इमीडिएट रिवीजन, एक अगले दिन आने से पहले रिवीजन, वो आपका पैरेलल रिवीजन चलता रहेगा। क्वेश्चन DPP सबसे पहले प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद टीचर से पूछ लोगे सर किसी चैप्टर के और क्वेश्चंस लगाने कहाँ से प्रैक्टिस करें, तीसरा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तब लगाना जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए, कोई भी क्वेश्चन लगाओ पहला सिग्नल दिमाग को मिलना चाहिए कि भाई सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं, अब बताओ क्या किया जाए, दिमाग लगाओ, 10 में से 6 क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन नहीं होंगे, उन 4 क्वेश्चन को धीरे धीरे आप लोग सीखोगे, 2 भी हो जाएंगे, 2 तब भी नहीं होंगे, तो अगर 2 सब्जेक्ट उसके बाद आपके रह जाते हैं तो आप क्या करें, 2 क्वेश्चन रह जाते हैं तो उन 2 क्वेश्चन का आप सोल्यूशन देख लो। उसके बाद आपको क्या करना है, ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, इसका भी एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज दे दो और अपनी नॉलेज को टेस्ट कर लो। तो यही सेम चीज़ आपको बार बार रिपीट करनी है। तो एक सब्जेक्ट में अगर आपको 5 घंटे का टाइम लग रहा है और आपको लगता है कि मुझे 2 सब्जेक्ट्स पैरेलली पढ़ने चाहिए, तो आपको 10 आवर्स का टाइम रिजर्व करके रखना चाहिए अपने 24 आवर्स में, ठीक है, जो कि बहुत आसान है कर पाना। अगर आप एक दिन में प्रोडक्टिव टाइम देखोगे तो 14 आवर्स के आसपास आपका शेड्यूल अच्छी तरीके से वेल मैनेज्ड होना चाहिए, तब भी आपके पास 4 घंटे एक्स्ट्रा बच जाएंगे अगर आपकी प्लानिंग अच्छी होगी। इन 4 घंटे को आप इन्वेस्ट कर सकते हो और ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाने में, ज्यादा कंसेप्ट सीखने में, या फिर सब्जेक्ट्स को पैरेलल रिवीजन करने में। जैसे मान लो ये 2 आपके कंप्लीट हो गए, तीसरा सब्जेक्ट आपने डिजिटल स्टार्ट किया, ठीक है, अब डिजिटल के साथ नेटवर्क को असाइन कर देना 30 मिनट्स रिवीजन में और इसको असाइन कर देना 60 मिनट्स, तो अब 1.5 घंटा आपको अलग से चाहिए। ये 1.5 घंटा आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिजिटल पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं, डिजिटल पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं, किसी दिन अगर कॉम्प्रोमाइज हो तो डिजिटल का रिवीजन कॉम्प्रोमाइज कर लेना, बट ये 30 और 60 मिनट्स जो आपने नेटवर्क और सिग्नल को दे रखे ना, इसको कॉम्प्रोमाइज मत करना है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने इसको कॉम्प्रोमाइज किया तो फिर से वही होगा, 2 महीने तक अगर आपने कॉपी बंद करके रख दी, फिर 2 महीने बाद आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आप उस कॉपी को उठा के उसके पन्ने पलट पाए, क्योंकि आपको लगेगा कि यार 2 महीने हो गए फिर से उतनी मेहनत करनी पड़ जाएगी, और ये बात सच है, आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी आपने पहली बार में करी थी। इज इट मेकिंग सेंस? तो कभी भी पुराने सब्जेक्ट का रिवीजन कॉम्प्रोमाइज मत करना, भले ही नया सब्जेक्ट की क्लास एक दिन छूट जाए उसको बाद में दोबारा मेहनत करके कवर कर लेना, बट नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द रिवीजन ऑफ प्रीवियस सब्जेक्ट। तो आप बोलोगे सर ऐसे 5 सब्जेक्ट हो जाए तब क्या करेंगे, तो 2.5 घंटे निकालो रिवीजन के लिए, 2.5 घंटे रिवीजन के लिए निकालो और बाकी सब्जेक्ट को उसके साथ साथ मैनेज करो, ठीक है। पुराने सब्जेक्ट का पैरेलल रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, है ना, अगर आप गॉड गिफ्टेड नहीं हो, अगर आप कोई बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं हो, बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं हो, IIT JEE वगैरह नहीं निकाल पाए, आपको खुद लगता है कि यार मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे सक्सीड कर सकता हूँ, उसका एक ही तरीका हो सकता है सक्सीड करने का, कि आप प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करें। अगर आप अच्छे बैट्समैन नहीं हो तो नेट में ज़्यादा समय तक प्रैक्टिस करो, तो ही आप असली मैदान में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो, खेल सकते हो अच्छी तरीके से। अगर आप खुद गॉड गिफ्टेड हो, टैलेंटेड हो, तो शायद आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, बट अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो और आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो इन सारे प्रोसेसेस को आपको रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, बात समझ आ गई।
तो यहाँ तक रिवाइज करें एक बार क्या क्या मैंने आपको समझाया। सबसे पहली चीज़, तैयारी से पहले, तैयारी तो बाद की बात होती है, रिसोर्सेज को लिमिट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द टीचर्स विच इज़ हैविंग, जिनसे आप कंफर्ट में ज़्यादा रहते हो। दुनिया बोल रही है कि भाई इस टीचर से पढ़ो, है ना, आपको नहीं मज़ा आ रहा, कोई बात नहीं, किसी दूसरे टीचर से पढ़ो, सारे टीचर अच्छे होते हैं, ठीक है। 12वीं में जो मिस्टेक करी थी उनकी लिस्ट डाउन करो, सेम मिस्टेक रिपीट कर रहे हो तो मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ कि 1 साल बर्बाद करोगे। टाइम, तैयारी करने का कोई मतलब नहीं, सिलेक्शन होगा नहीं। अगर 12वीं लेवल पे जितनी भी मिस्टेक्स आपने करी थी, सारी मिस्टेक्स अगर आप कट ऑफ नहीं करोगे इमीडिएटली तो आप सिलेक्ट नहीं हो पाओ। तो मिस्टेक्स कट ऑफ करिए। कुछ बेसिक हैबिट्स, अगले दिन को बहुत अच्छे से प्लान करना, 1-1 घंटे का अलार्म लगाना, पढ़ते टाइम पे अपनी रीडिंग स्पीड को कैलकुलेट करना, बहुत अच्छी तरीके से सारे सेंसेस को इन्वॉल्व करना पढ़ते टाइम पे। ये सारी बातें जो आप करोगे तो आप एफिशिएंट ज़्यादा हो जाओगे, दिन में ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। सब्जेक्ट का सीक्वेंस में पहले कोर सब्जेक्ट्स, फिर नॉन कोर सॉरी पहले नॉन कोर फिर कोर सब्जेक्ट्स का एक सीक्वेंस बना लेना। किसी भी सब्जेक्ट का जो सबसे बड़ा खजाना आपके पास है वो क्लास नोट्स, क्लास नोट्स को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करिए, उनके रिवीजन में प्रॉपर टाइम इन्वेस्ट करिए। पैरेलल रिवीजन की मैंने आपको टेक्निक समझा दी कैसे करना है। अगला सब्जेक्ट जब भी स्टार्ट होगा, अगर आप 6वें सब्जेक्ट पे पहुंच गए हो तो पिछले 5 सब्जेक्ट के रिविजन के लिए आपके पास एक टाइम स्लॉट होना चाहिए। भले ही आधे आधे घंटे आप सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करोगे, बट आपके पास 2.5 घंटे का एक बैकअप होना चाहिए। वो 2.5 घंटे आप कैसे भी करके मैनेज करो, उस 2.5 घंटे में आप यूट्यूब मत देखो, वेब सीरीज मत देखो, इंस्टा मत चलाओ, जो भी आपको पैसे भी टाइम बचता है वो टाइम आपको बचाना पड़ेगा। तो भी आप कंफर्टेबल फील करोगे, तो ही आपको लगेगा कि यार जनवरी में नेटवर्क पड़ा था, आज जुलाई चल रहा है, बट नेटवर्क भूले नहीं, नेटवर्क में कंफर्टेबल है, क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं, सारी चीज़ें लगा पा रहे, क्योंकि वो पैरेलली आपको दिख रहा है, पैरेलली आप उसके रिविजन में बार 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 पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो ही वो सब्जेक्ट आपको धीरे धीरे सबकॉन्शियसली स्टोर हो जाएगा और आपसे क्वेश्चंस लगने लगेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लगाने के लिए मैंने आपको बताया कि जितने भी रिसोर्सेज आपके पास हैं उनके सॉल्यूशंस के पेजेस कट कर देना, सॉल्यूशंस के पेजेस कट करके एक अलग जगह पर रख लेना। और जब भी कोई क्वेश्चन आप देखो, अगर आपके दिमाग में पहला सिग्नल ये नहीं आ रहा है कि यार इसका सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। 90 डेज के अंदर अंदर कोशिश करो, बाय द एंड ऑफ अप्रैल, बाय द एंड ऑफ मार्च आपके अंदर एक स्किल डेवलप हो जाए नए क्वेश्चन को देख के, क्वेश्चन को सॉल्व करने की एबिलिटी। जब स्किल आपके अंदर डेवलप हो जाती है तब आप गेट जैसे एग्जाम्स को टारगेट करना स्टार्ट कर सकते हो। फाइनली स्पीड वर्सेज एक्यूरेसी, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम अभी अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, 4 दिन हुआ और सवाल लगा रहे हैं मगर स्पीड नहीं आ रही। तो देखो, स्पीड वर्सेज एक्यूरेसी में मेरा जो सबसे पहला सजेशन होता है, तैयारी के स्टार्टिंग 3 मंथ्स में गो फॉर एक्यूरेसी। स्टार्टिंग 3 मंथ्स में आप एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करो। एक्यूरेसी पे फोकस करने का ये मतलब नहीं 24 घंटे में एक क्वेश्चन लगाए, ठीक है थोड़ा टाइम लग रहा है, 15 मिनट लग जा रहा है एक क्वेश्चन करने में, नॉट एन इशू। बट जब भी आप क्वेश्चन लगाने बैठो ना, जैसे मैंने बताया, डूब जाओ उस क्वेश्चन में, खो जाओ, ट्रांस में चले जाओ, क्वेश्चन दिखा। आपको बार बार ये समझाना है कि यार मैं अपनी एंड से कोई भी गलती इसमें नहीं करूंगा। कंसेप्चुअल मिस्टेक हो जाए दैट इज अनदर इशू, सॉल्यूशन मिस्टेक, फॉर्मूला मिस्टेक, कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक वो नहीं करूंगा। तो इस लेवल ऑफ सीरियसनेस के साथ एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। थोड़ा टाइम लगता है, 5 मिनट ज्यादा, नॉट एन इशू, लगने दो। 3 महीने तक आप एक्यूरेसी के लेवल को अचीव करो। सपोज आप कोई टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो जिसमें 50 मार्क्स का टेस्ट है और उस टेस्ट में आपको 20 मार्क्स का ही आता था, आपने 20 मार्क्स का करके आए और आपको टोटल 20 मार्क्स उसमें मिलने चाहिए, ठीक है। तो इस बार आपकी हैबिट क्या होनी चाहिए इनिशियली 3 मंथ्स में, कि जितना भी मुझे पेपर आता है, सपोज मुझे 25 मार्क्स का पेपर आता है तो 25 नंबर मेरे आने चाहिए नो मैटर वॉट, उसमें एक भी नंबर मैं अफोर्ड नहीं करूंगा। 3 मंथ्स तक आते 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 आपकी ये हैबिट बिल्डअप हो जानी चाहिए, फिर आप ग्रेजुअली स्पीड की तरफ जाओगे। आप देखो कि जब ये एक्यूरेसी वाली चीज़ आप मास्टर कर लेते हो ना, तो आफ्टर 3 मंथ्स यू विल बी ऑलरेडी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ स्पीड, क्योंकि आप पैरेलल रिविजन लेके चल ही रहो, है ना, और साथ के साथ आपकी स्पीड वाली जो बात आती है ना, वो धीरे 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 करके ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाती है। सेकेंडली, जब आप स्पीड की बात करते हो तो स्पीड के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जब आप 3 महीने के बाद टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करते हो, आफ्टर 3 मंथ्स जब आप टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करते हो, 3 महीने तक एक्यूरेसी डेवलप कर ली, फिर आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज में ना पूरी स्पीड की अपनी प्रैक्टिस करो। टेस्ट सीरीज में ना स्पीड की प्रैक्टिस करो। टेस्ट में सपोज आपको लग रहा है कि यार 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे जा सकते हैं या 40 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करे जा सकते हैं, तो इनको आप थोड़ा स्पीड से अटेम्प्ट करो, क्योंकि टेस्ट सीरीज में खोने के लिए कुछ है नहीं। ज्यादा से ज्यादा स्पीड के चक्कर में कुछ क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, उनको घर पे आके हम रेक्टिफाई करेंगे, बट पहले 3 महीने तक ऐसा नहीं करना। फर्स्ट 3 मंथ तक पूरा फोकस होना चाहिए था एक्यूरेसी पे, फोकस पे, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल सीरियसली अटेम्प्ट करने पे। 3 मंथ्स के बाद कुछ सर्टेन स्पीड तो आपकी अपने आप बढ़ी जाएगी। 3 महीने के बाद जो आप टेस्ट देना, उन टेस्ट में आप थोड़ा सा स्पीड भी प्रैक्टिस कर सकते हो, थोड़ा पढ़ने की रीडिंग हैबिट बढ़ा सकते हो, कैलकुलेशन स्पीड आपकी खुद से इंक्रीज कर सकती है, क्वेश्चंस को 2 बार क्रॉस चेक करने की हैबिट आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इनिशियली आप एक्यूरेसी पे इतना फोकस कर रहे हो, आपको इतना कॉन्फिडेंस है जो भी क्वेश्चन एक बार में सॉल्व करूंगा एक ही बार में करेक्ट हो जाएगा। तो मान के चलो ना कि आधी स्पीड तो आपकी वैसे ही कैचअप हो जाएगी अगर आप इनिशियल एक्यूरेसी पे फोकस करोगे। धीरे धीरे बाकी आप टेस्ट सीरीज देते रहोगे, वो स्पीड आपकी आती जाएगी। तो स्पीड वर्सेज एक्यूरेसी में ऑलवेज
पहले एक्यूरेसी को मास्टर करिए, उससे आधे से ज़्यादा स्पीड तो खुद ही हो जाएगी, बाद में फिर आप स्पीड खुद भी बढ़ा सकते हो अपने टेस्ट सीरीज के थ्रू। ठीक है, तो ये था आज के सेशन का सारा ऑब्जेक्टिव, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने आपको समझा दी। अब एक लास्ट लास्ट पॉइंट मैं आप लोगों को और बता देता हूँ कि जब आप लंबे समय तक तैयारी करते हो, गेट की तैयारी का जो प्रोसेस है वो 8 से 9 महीने का प्रोसेस है, तो बीच बीच में आपको कभी डिमोटिवेशन आएगा, कभी आपको लगेगा कि यार मैं इतना पढ़ रहा हूँ बट मुझसे क्वेश्चंस नहीं लग रहे, कभी कभी ऐसे फेजेस भी आएंगे कि क्या मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं होगा। तो इन सारी बातों का इलाज एक ही है कि आप तभी ये सारी बातें आपके दिमाग में आती हैं जब आप खाली बैठते हो। जब आप खाली बैठते हो, पढ़ाई नहीं करते हो, अपनी डेडलाइंस को कंप्लीट नहीं करते हो, तभी हमारे दिमाग में ये सारी बातें आनी शुरू होती हैं। तो इन सारी चीज़ों का एक ही इलाज है कि आप अपने आप को सुपर बिजी रखिए, रात वाले शेड्यूल को इतना टाइटली पैक्ड बनाओ कि अगले दिन आपको बिल्कुल फुर्सत ही ना रहे कोई भी नेगेटिव थॉट सोचने के लिए। एक डेडलाइन डिसाइड करो और उस डेडलाइन को हमेशा अचीव करो। अगर आप डेडलाइंस को अचीव नहीं कर रहे हो और आप खाली बैठे हुए, तो ही आपके दिमाग में इतने सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मेरा होगा कि नहीं होगा। तो रादर देन थिंकिंग ऑन दोस, हमेशा आप क्या करें, डेडलाइंस को एक सेट कर लें और डेडलाइंस को अचीव करने की कोशिश करें। हमेशा याद रखो, तैयारी के दौरान उन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करो जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो। 99% लोग इसीलिए दुखी रहते हैं, इसीलिए परेशान रहते हैं कि जो चीज़ें वो कंट्रोल नहीं कर सकते उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। गेट कैसा पेपर बनाएगा, गेट क्वेश्चन गलत तो नहीं बना देगा, कौन से मार्क्स में कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, मुझसे गेट में कोई गलती तो नहीं होगी, ये सब चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप कंट्रोल क्या कर सकते हो, अपनी तैयारी। तो अपनी तैयारी को बेस्ट पॉसिबल वे में कंट्रोल करो, जितना एफर्ट डाल सकते हो अगले 8 से 9 महीने में उतना एफर्ट डालो। उसके बाद फिर आप देखोगे कि लास्ट तक आते आते आपका जो भी गेट का एग्जाम होगा वो बहुत खराब तो नहीं होगा। अगर आप 500 रैंक डिजर्व करते हो तो शायद 700 आ जाए, शायद 300 आ जाए, आपकी 10,000 रैंक कभी भी नहीं आएगी। तो फाइनल सजेशन आप लोगों से यही है कि जो चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो उसको बेस्ट पॉसिबल वे में करो, जो नहीं कर सकते उसको छोड़ दो। अब एक अच्छी बात और मैं आपको बता दूँ कि जितने भी सजेशंस मैंने बताए वो 99% लोग फॉलो नहीं करेंगे। तो आप देख लो आपके लिए सक्सेसफुल होना कितना आसान है। अगर आप उन 1% लोगों में से आ जाओ तो इन सारे सजेशंस को रिलीजियसली फॉलो कर लो 8 महीने के लिए दुनियादारी भूल के, तो 99% लोग तो वैसे ही आउट हैं यार, ये तो वैसे ही सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। आपका कंपटीशन सिर्फ 1% लोगों से रह गया यहाँ और 1% जो आपके सीनियर्स हैं। तो असली फाइट आपके 2% लोगों में रहती है जो बिल्कुल सीरियसली लास्ट तक लगे रहते हैं और अच्छी रैंक लाने के लिए फाइट करते हैं। ठीक है, तो ये था आप सभी लोगों के लिए सजेशन आज की क्लास में। आई होप कि आप लोग ये सजेशन अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे और AMA सेशन किसी और दिन में ले लूंगा। इस सेशन में जस्ट मुझे आप लोगों से बात करनी थी, आपके जो कोई जनरल डाउट्स हैं उसके फिर मैं किसी और सेशन में आप लोगों के लिए आस्क मी एनीथिंग सेशन ले लूंगा। ठीक है, कल मैं आप लोगों के लिए एक आस्क मी एनीथिंग सेशन ले लूंगा, तो उसमें आप आके अपने डाउट्स को मुझसे पूछ लेना। तो जितनी मैंने इसमें चीज़ें बताई ना, ये आप कोशिश करोगे यार इसका 80% भी अचीव कर लो, 80% भी कर लो ना, तो आप देखोगे कि आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। और यार देखो, मैं आप लोगों से खुद ही पूछ लेता हूँ कि एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे मान लो ये आप हो, ठीक है, आप हो, मैं आपको 4-5 सिनेरियोस देता हूँ, आप खुद से सोच के बताना है, खुद से ईमानदारी से सोच के बताना। मैं मान लेता हूँ कि आपको ना पिज्ज़ा खाना बहुत पसंद है और आप पूरे दिन में सपोज 50 पिज्ज़ा आपने खा लिया, ठीक है, ये डे है, ये नाइट, 50 पिज्ज़ा खा लिया। आपको सपोज ना वेब सीरीज देखना बहुत पसंद है, मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, आपने 100 मूवीज़ देख डाली एक दिन में, सुबह से शाम तक बस मूवीज़ ही देखे जा रहे हो। ठीक है, मान लो कि कोई आपका चहेता इंसान है, आप उससे पूरे दिन 24 घंटे बात ही कर डाली उससे, ठीक है, हर सारे प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर लिए, बात ही करे जा रहे हो, और आखिरी आपने सोचा कि यार क्या करते हैं आज ना 14 घंटे बैठ के पढ़ाई करते हैं और एक आउटकम निकालते हैं, और लास्ट तक आपने 14 तो नहीं 12 घंटे पढ़ाई करी। आप मुझे बताओ इन 4 सिनेरियो में से कौन से ऐसा सिनेरियो है जिसमें आप बिल्कुल तसल्ली से सो गए और जिसमें अगर आप शीशे में अपने आप को सामने देखोगे तो आपको प्राउड फील होगा कि यार कुछ तो मैंने आज अच्छा किया। जाहिर सी बात है, आखिरी सिनेरियो। तो दुनिया में अगर आपको खुशी चाहिए तो एक ही चीज़ आपको असली खुशी दे सकती है। देखो, दिखाने के लिए नहीं कि भाई मैं तो देखो इतना अमीर हूँ, 50 पिज्ज़ा खा जाता हूँ, मैं तो बहुत मूवीज़ देखता हूँ, मैं तो ये दिस दैट, दिखाने के लिए नहीं। इनर पीस आपको तभी मिल सकता है ना जब आप डेडलाइंस को कंप्लीट करते हो। अगर आपने एक डेडलाइन सेट करी और आपने वो डेडलाइन कंप्लीट कर ली तो उस दिन आपको जो खुशी होगी रात में सोने में ना, वो खुशी दुनिया की कोई दूसरी खुशी मैच नहीं कर सकती। आप जो मर्जी चाहे कर लो पूरे दिन। तो अगर आप एक्चुअल में डेली बेसिस पे खुश भी रहना चाहते हो ना, तो यार इसमें क्या बुराई है, एक डेडलाइन सेट करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं अच्छे तरीके से, है ना, और इसको एज अ लाइफस्टाइल का पार्ट बनाओ। ऐसा नहीं कि सिर्फ तैयारी के दौरान ही आपको ऐसा करना है, कल को आप प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे, किसी कंपनी में जाओगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, वहाँ पे ये आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट होना चाहिए। क्योंकि हम लोग ह्यूमंस हैं, हमारा पहला प्राइमरी काम ही है कुछ काम करना, ना कि आराम करना। तो जब आप कोई काम को उठाते हो, एक उस काम की अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से डेडलाइन सेट कर लो और रात तक जाते जाते उसको एज अ टास्क कंप्लीट कर लो, तो आप रात में ज़्यादा खुश फील करोगे, शीशे के सामने देखोगे तो आपको बेहतर फील होगा कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ लाइफ में, कुछ ना कुछ तो मैं अचीव कर लूंगा लाइफ में।
ये फीलिंग तभी आती है जब डेली बेसिस पे डे इन डे आउट डे इन डे आउट आप ये चीज करते रहते हो, और इसी तरह आप अंदर से खुश भी रहोगे। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है यार, अगर हमें अंदर से खुशी मिल रही, भले दुनिया हमें कुछ भी बोले कि यार ये तो पागल हो गया, सुबह से शाम तक पढ़ता रहता है, किसी की बात नहीं सुनता, उससे क्या फर्क पड़ता है। हम तो खुश हैं ना अंदर से कि यार जो हम चाह रहे हैं वो कर रहे हैं और अपनी डेडलाइन को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। तो ना इसको एज अ टास्क ले लो, एज अ लाइफस्टाइल का पार्ट बना लो कि यार ये तो करना ही करना है। बार बार ये मत बोलो कि यार पढ़ाई करना है, कब तक पढ़ाई करेंगे, जिंदगी भर पढ़ते ही आ रहे हैं, आगे चल के ऐसा काम के लिए बोलोगे कि कब तक काम करेंगे, जिंदगी भर काम ही करते आ रहे हैं, तो ऐसे तो आपकी जिंदगी निकल जाएगी। तो बेहतर क्या, वो प्रोसेस एक्सेप्ट कर लो कि यार काम तो करना ही करना, क्यों ना खुशी से और बेस्ट तरीके से अपना एफर्ट डाला जाए। ठीक है, तो ऐसा आप लोग करिए तो आप लोग देखोगे कि डेडलाइन कंप्लीशन विल गिव यू द एक्चुअल रियल हैप्पीनेस एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, चलो यार फिर मिलते हैं कल किसी कल मिलते हैं आस्क मी एनीथिंग सेशन में। आपके जो जेनरिक डाउट्स रहेंगे वो कल आप मुझसे पूछ लेंगे। ओके।